एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि एलसीएम किसे कहते हैं और इसे किस तरह से निकाला जाता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस स्मॉलेस्ट नंबर अदर देन जीरो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ टू आर मोर काउंटिंग नंबर्स। अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो इनके टेबल में है, मतलब अगर 4, 6 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है तो ऐसा छोटा नंबर जो तीनों नंबर के टेबल में आएगा वो होगा इनका एलसीएम। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको थ्रीज के मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, उसको हम किसके बाय लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड से निकालेंगे। सेकेंड एलसीएम जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो है 12, 16 और 36 इसको हम डिविजन मेथड से निकालेंगे। तो यही थ्री मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के, ठीक है। और कौन सा मेथड कब लगेगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4, 6 एंड 8, ओके। तो ये फर्स्ट मेथड जो है लिस्टिंग द मल्टीपल में क्या होता है, ये जो है जो भी नंबर है उनकी हम टेबल लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं। तो ये जो है मेथड जो होता है सिर्फ स्मॉल नंबर में, मीन्स छोटे नंबर में अप्लाई होता है। जैसे जिसका भी टेबल आपको लर्न है बस उनके केस में ये वाला जो है मेथड अप्लाई होगा। जैसे 4 और 6 और 8 का आपको एलसीएम निकालना है तो आप नॉर्मल तीनों नंबर के जो है आप टेबल लिख लेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 4 का, फिर 6 का एंड देन 8 का, फिर इसका जो कॉमन होगा उसे हम लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे 4 का जितना भी मल्टीपल है लिखते जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, ठीक है। 6 का इसी तरह से लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60, ठीक है। 8 का इसी तरह से लिख लेंगे, जो भी नंबर का निकालना है उसका हम इस तरह से टेबल मल्टीपल फॉर्म में इसकी लिख लेंगे। और फिर इसका आगे हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। इसी तरह से 8 का लिखेंगे, 8, 16, 24, 30, 40, 48, 54 के बाद होगा 56, 64, 72 एंड 80। अब इसमें आपको देखना है कि इनमें कॉमन कौन कौन सी, जो इनका कौन सा नंबर कॉमन है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए कौन सा कॉमन है, इसमें आएगा आपका, देखिए 4 को चेक करिए, नहीं 8 को नहीं, 12 नहीं, 12 इसमें आ रहा बट 8 के उसमें मल्टीप्लाई में टेबल में नहीं आ रहा, 16 भी नहीं, 20 भी नहीं आ रहा, 24 देखिए 24 इसमें भी आया, यहाँ पे 6 में भी आया एंड 8 के केस में भी आ गया 24, ओके। तो इसका मतलब है ये जो है ये इसके आगे भी अगर आप टेबल लिखेंगे मुझे तो आगे भी और भी नंबर आएंगे जो कि कॉमन होंगे, ठीक है। अभी इस इतने नंबर में तो कोई और आपको कॉमन नहीं दिख रहा है बट आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसमें 24, 48 भी एक कॉमन आएगा। लेकिन आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है, तो इसमें लोवेस्ट आपको दिख गया 24, देन आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 इस क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 इज 24, ये इसका आंसर हो गया, ओके। ये इस केस में इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है स्मॉल नंबर के लिए ये रूल अप्लाई होता है जिसमें आपका टेबल लर्न हो। सेकेंड केस में सेकेंड क्वेश्चन इस क्या है, 18 एंड 24 का, इसको हम किस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मेथड में क्या करेंगे, आप एक एक नंबर का फैक्टर कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, जैसे पहले आप 18 का करिए, इसको डिवाइड करते जाएंगे और देखेंगे 2 से होगा 2, 9 18, फिर 3 से होगा 3, 3 9 एंड 3 एंड ये 1 तक लेकर के इस तरह से आएंगे। सेकेंड नंबर इज 24, इसका भी सेम इसी तरह से करेंगे। पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से 2, 1 2, 2, 2 4, फिर 2 से 2, 6 12, 2 से 2, 3 6 एंड ये 3, 1 3, तो 1 तक आप इस तरह से ले आएंगे, ठीक है। अब इसका दोनों इनका फैक्टर हम इस तरह से सामने लिख लेते हैं। इसके 18 का क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। तो इस तरह से आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 24 का क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इस तरह से आपने इनको कर लिया। अब इसमें जो कॉमन नंबर है उसको आप एक बार ले लेंगे, जैसे कि 2 इसमें भी है, आपने इसे ले लिया, ओके।
और थ्री देखिए, टू एक ही बार है यहाँ पे, थ्री एक इसमें भी है और इसमें भी है। इन नंबर को आप जो है यहाँ पे ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, देखिए आप इसको समझिए। आपने इसमें क्या लिया, टू दोनों में है तो इसका एक कॉमन आपने ले लिया एंड थ्री दोनों में है इसको भी आपने ले लिया। अब क्या करना, जो लेफ्ट नंबर है ये थ्री और ये टू एंड टू, ये जो है अभी इसमें नहीं है तो आप इनको भी आगे मल्टीप्लाई उसमें ले लेंगे। ये थ्री हो गया, अब ये टू एंड टू लेफ्ट है, इसे भी आप टू मल्टीप्लाई टू ले लेंगे। अब इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एट्टीन, एट्टीन टू जा क्या होगा थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स टू जा सेवेंटी टू। ओके, थर्टी सिक्स टू जा क्या होगा सेवेंटी टू। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सेवेंटी टू, मीन्स एट्टीन एंड ट्वेंटी फोर का एलसीएम क्या हो गया सेवेंटी टू। अब लास्ट मेथड है क्या, कौन सा मेथड है, लास्ट मेथड है बाय डिवीजन मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हर तरह की नंबर में। अगर बिगर नंबर है तो आपको यही मेथड अप्लाई करना, ये एक साथ कॉमन सभी नंबर के निकल आएंगे। चलिए इसको आगे हम ट्राई करना सीखते हैं। जो डिवीजन मेथड है वो भी लगभग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही जैसा है, उसी तरह से करेंगे, बट इसमें तीनों नंबर को एक साथ लेके करेंगे। जैसे आप कैसे करेंगे, देखिए क्या किसका निकालना है, 12, 16 एंड 36 का। तो आप ये देखेंगे लोवेस्ट नंबर देंगे, देखेंगे कि तीनों नंबर जिनसे वो हो जा रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टू। ठीक है, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू एट जा सिक्सटीन एंड टू वन जा टू, टू वन लेफ्ट होगा, टू एट जा सिक्सटीन। ओके, तो आप ये यहाँ लिख लेंगे, फिर से आप देखेंगे, फिर टू से ये सॉल्व हो सकता है, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट एंड टू नाइन जा एट्टीन। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए, जब ये अब ये तो टू टू से हो गया, अब ये देखिए, अब कोई भी नंबर टू से, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे ये तीनों हो सकते हैं, तो ये आप इसके बाद आप दूसरा नंबर ट्राई करेंगे, थ्री। देखिए थ्री वन जा थ्री हो सकते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, बट फोर ऐसे एज इट इज आप ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले आप कॉमन देखेंगे तीनों का, फिर उसके बाद जो दो नंबर है उनका कॉमन देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई नंबर किसी से नहीं कटेगा तो उसको आप एज इट इज ले लेंगे। तो थ्री वन जा थ्री, फोर देखिए नहीं हो रहा तो फोर को ऐसे ही ले लेंगे एंड थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, अब आप इसको चाहिए तो नीचे तक इस तरह से भी ले जा सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे तो आप इसको, चलिए हम इसको वन तक लेके आते हैं, फोर से आप करेंगे अगर तो ये यहाँ और ये फोर वन जा फोर एंड थ्री एज इट इज एंड थ्री से किया आपने, थ्री लेफ्ट है तो वन वन एंड ये वन। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से किया है। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री, आप इसको आपस में इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर एंड मल्टीप्लाई थ्री। ये जो होगा 12, 16 एंड 36 का एलसीएम होगा, जो भी मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा। तो ये जो है, ये तरीका जब बड़े नंबर हैं तब ये सबसे मीन्स इजी, इस जब नंबर बड़े हैं तो ये मेथड उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई अब कर लीजिए, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा टू, टू जा फोर हुआ, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा क्या होगा, ट्वेल्व फोर जा थर्टी सिक्स, 48, 12 फोर जा 48 एंड 48 थ्री जा क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, 48 थ्री जा 8 थ्री जा 24, टू लेफ्ट होगा, 4 थ्री जा 12 एंड 2 ऐड किया 144, तो आंसर क्या हो जाएगा 144। आई तो ये हो गया डिवीजन मेथड से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए।